वहीं दूसरी ओर दुर्ग निगम द्वारा अवैध निर्माण व अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण को लेकर दुर्ग पुराना बस स्टैंड में लगा शिविर, जिसमें लोग आवेदन जमा करने पहुंच रहे। दुर्ग नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए शहर के अलग अलग जगह पर नगर निगम द्वारा शिविर लगाकर शहर के लोगों का आवेदन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में भी शिविर लगाया गया, जिसमें लोग पहुँचे और जानकारी लेने के साथ आवेदन जमा भी किए। गौरतलब है कि इस मामले में भवन शाखा अधिकारी प्रकाश थवानी ने बताया कि शहर की जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ उनके फायदे के लिए है। इस शिविर के माध्यम से जिन लोगों के मकान अनाधिकृत विकास व अवैध निर्माण के तहत बने हैं, जिसका इस शिविर के माध्यम से बहुत ही कम राशि देकर अपना नियमितीकरण करा सकते हैं, इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। की बहुत महत्वाकांक्षी योजना लागू हुई है, जिसमें जो व्यक्ति अपने निजी जमीन में बिना अनुमति के कोई निर्माण कर लिए हैं या अपने अनुमति से ज़्यादा निर्माण कर लिए हैं या आवासीय में व्यावसायिक गतिविधि के निर्माण कर लिए, समस्त प्रकार के इस अवैध निर्माण के नियमितीकरण का इसमें प्रावधान है। शासन द्वारा इतने न्यूनतम पेनाल्टी पे नियमितीकरण किया जा रहा है कि 1290 स्क्वायर फीट तक के आवासीय प्लाट का निःशुल्क नियमितीकरण है, भले वो दो मंजिल मकान क्यों न बनाया हो। और 1290 से लगभग 2580 तक में मात्र 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से शास्ति की गणना होनी है। इसी तरह अगर आवासीय से व्यावसायिक बना लिए हैं तो कलेक्टर गाइडलाइन का 5% पेनाल्टी करके आवासीय भूखंड में भी व्यावसायिक का नियमितीकरण किया जा सके। इसमें नियम ये था कि 14 जुलाई 2022 के पहले जितने मकान अस्तित्व में आए हैं या निर्मित हो गए हैं उनका नियमितीकरण करना है, 1 साल तक के लिए ये लागू है, जो कि 13 जुलाई 2023 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। उसके बाद उस अवधि में जितने आवेदन आएंगे उनके नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। शहर की जनता को समय समय पर प्रचार प्रसार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पाम्पलेट के माध्यम से अवगत कराया गया है। साथ ही हमारे कर्मचारी घूम के जिनका मकान अतिरिक्त निर्मित दिख रहा है उनको सूचना भी जारी कर रहे हैं जी, और वार्डों में शिविर लगा के जागरूकता ला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें। लोगों को जो सूचना दी है उसमें यदि उनको उनके द्वारा नियमित मकान नियमों के अधीन है तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि वो नियमों से अतिरिक्त कोई निर्माण है तो भी वो आसानी से हमारे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करके नियमितीकरण करा सकते हैं और भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।